तो YouTube की तरफ से यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक अपडेट है सभी क्रिएटर्स के लिए गाइज, बिकॉज सर इस अपडेट के बाद आप लोग का चैनल हो सकता है डिलीट भी कर सकता है YouTube। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइज, बिकॉज ये काफ़ी सीरियस चीज़ है। तो इस वीडियो को पूरा फॉलो करना, एंड तक देखना, और बिना यार वीडियो को स्किप करे देखना, तभी जाके गाइज सर आप लोग अपने चैनल को बचा पाओगे डिलीट करने से। तो चलिए यार आज की वीडियो को स्टार्ट करते, बट पहले कहता हूँ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ बेसिक ये अपडेट आया क्यों है। तो अपडेट आने का रीज़न काफ़ी सिंपल है गाइस सर। यूट्यूब को अभी गाइस क्या होता, इस अपडेट से पहले यूट्यूब को पेनल्टी देनी पड़ी थी 171 बिलियन या फिर ट्रिलियन, इतना कुछ पेनल्टी देना पड़े था। उसका रीज़न है गाइस, वो है सब कुछ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। बेसिकली इसमें हुआ क्या था गाइज, यूट्यूब का कंटेंट जो है गाइज सभी लोग देख सकते थे, ठीक है, डायरेक्टली देख सकते थे सभी लोग। लेकिन अब इस अपडेट में क्या होगा कि आपका चैनल यहाँ पर पहले वेरीफाई किया जाएगा कि आपका चैनल का कंटेंट किड्स के लिए है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर यूट्यूब का मतलब क्या है, किड्स का मतलब अगर आपका कंट्री का जो ट्रैफिक है गाइज वो USA वगैरह से आ रहा है, तो वहाँ पर होता है कि चिल्ड्रन का मतलब होता है 13 ईयर्स से बिलो, ठीक है। मतलब जो बंदा 11, 12, 10, 9, 8 साल का होगा वो बंदा होगा किड्स। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो 18 से कम होते हैं उनको किड्स माना जाता है। तो वो डिपेंड करता है किड्स आप लोग किसे कह रहे हो। अगर आपका ट्रैफिक इंडिया से है तो किड्स का मतलब 18 से कम जो है, ठीक है, ये हो गया किड्स का मतलब। अभी ये किस लिए पास किया है, ये अपडेट क्यों आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये अपडेट इसलिए आया है क्योंकि कोई भी बंदा यार कंटेंट देख सकता है यूट्यूब का, चाहे वो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो या फिर ना हो। तो इसलिए बच्चे भी देख लेते हैं बहुत सारे कंटेंट, तो उससे क्या होता है चाइल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी प्रोटेक्शन को गाइज़ काफ़ी यहाँ पे हार्म होती है, ठीक है। तो इसलिए ये पास किया गया। अब क्या होगा, आपको अपने चैनल में गाइज़ अगर जाओगे तो वहाँ पर गाइज़ दो चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, आपका चैनल का कंटेंट किड्स के लिए है या फिर नहीं है। अब एक किड्स का कंटेंट क्या होता है वो बताते हैं, जो कार्टून वाली वीडियोज़ हो गई या फिर जिन वीडियो पर बच्चों का ज़्यादा यहाँ पे व्यूज़ आ रहा है वो सब हो गई गाइज़ यहाँ पे किड्स के लिए वीडियोस, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस देखी जाएंगी किड्स के लिए। और अगर आपका चैनल पूरा का पूरा गाइस यहाँ पे किड्स के लिए बना हुआ है, मान लेते हैं आपका कोई कॉमेडी चैनल है, एनिमेशन का वीडियो है, ठीक है, बच्चों वाले एनिमेशन, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे किड्स के कंटेंट में आ जाएंगी। अब आपको कैसे वेरीफाई करवाना है अपना चैनल कि आपका जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए है फिर नहीं है, वो आपको कैसे वेरीफाई करवाना है वो हम लोग यहाँ पर बता देते हैं। तो बेसिकली वेरीफाई करवाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जाना है यार अपने यूट्यूब स्टूडियो में। जब भी आप अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो खोलते हो तो वहाँ पर आपके सामने जो है एक ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, चैनल एडवांस सेटिंग। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके सामने वहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएंगे। तीन ऑप्शन कौन कौन से होंगे, पहला ऑप्शन तो गाइस होगा कि आप लोगों को मतलब आपका चैनल का जो भी कंटेंट है वो किड्स के लिए नहीं है। तो मैंने गाइस अपने चैनल का वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि मेरा जो चैनल का कंटेंट है वो किड्स के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई कार्टून वगैरह वाली वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ, ठीक है, तो किड्स के लिए नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पर नो पर सिलेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आपका है तो वहाँ पर यस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन आएगा कि आप लोग हर एक इंडिविजुअली वीडियो के लिए गाइस यहाँ पर खुद वेरीफाई करवाना चाहते हो कि आपका कंटेंट यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए है या फिर नहीं है, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन में क्या होगा, आपको एक एक वीडियो में यहाँ पर बार बार सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन पहले दूसरे ऑप्शन में मतलब अगर आपका चैनल है तो आपको करना पड़ेगा यस, और अगर आपका चैनल किड्स के लिए नहीं है तो सिंपली कह दो नो। तो मैंने नो पे कर दिया एंड अब गाइज मेरा काम हो चुका है, ठीक है, ये अपडेट है। अब मान लेते हैं आप लोगों ने कुछ यहाँ पे गलत सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और यूट्यूब उसे चेक करता है आपकी वीडियोज़, मान लेते हैं देखता है और वो किड्स के लिए, तो आपके चैनल को यहाँ पर टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है। ये मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोग को बता दिया, इस तरीके से आपका चैनल यहाँ पर डिलीट भी हो सकता है, ठीक है, इसके चांसेज हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ गारंटीड होगा अब, लेकिन हाँ चांसेज हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपके अगर मोनेटाइजेशन ऑन है तो एड्स आना बंद हो जाएंगी, ठीक है, वीडियो पे कमेंट वगैरह सब कुछ डिसेबल हो जाएगा, इस तरीके का सीन होने लगेगा, ठीक है, अगर आप लोग कोई यहाँ पे गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो। आप लोगों को एक मेल भी आ चुका होगा अपने जीप में, तो उसे जाकर भी आप लोग पढ़ सकते हो, वहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो यही बस एक बड़ा सा अपडेट था, छोटा अपडेट तो नहीं है, ठीक है, चैनल डिलीट हो सकता है, तो बचाना है तो यार सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, वो भी खुद से करना ज़्यादा सही रहता है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करो, और चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करे बिना तो मत जाना। तो बस यार मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।